हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉमिसेस के बारे में। हमने कॉल बैक पढ़ लिया, हमने एसिंक अवेट पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रॉमिसेस। जब आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके की एग्जीक्यूशन फॉलो करनी है कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो, उसके डेटा के बाद ही नेक्स्ट वाला आए, तो इस सारे सिनेरियो को अगर आपको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप ही आपका जो एग्जीक्यूशन है वो चले, तो हम उसको किसमें यूज करेंगे? प्रोमिसेस में। प्रोमिसेस आर वे टू हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। दे रिप्रेजेंट इवेंचुअली कंप्लीशन और फेलियर। जब तक ये बताता है कि हमें कि जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अगला वाला एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो हमें पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उसकी पेंडिंग है, फुलफिलमेंट है और रिजेक्टेड है। ये मेरे को ये बताता है कि हमारा जो अभी जो मैंने ए पे कॉल की है वो पेंडिंग स्टेट में है या फुलफिल्ड हो रही है या रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। मतलब कि अभी ए पे को टाइम लग रहा है, या तो फिर वो कंप्लीट हो गई है रिक्वेस्ट, नहीं तो डेटा लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम रिजेक्ट कर दी जाती है। तो उसके बिहाफ पे ही काम होता है, ठीक है। तो आप इसका सिंटैक्स ये है, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने सेट टाइम आउट के अंदर एक प्रॉमिस, एक एपीआई कॉल करवाई है, और उसको आप जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता तब तक आप उसको रिजॉल्व मत करो, अदरवाइज उसको क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉमिस, और आप इसको चेन के साथ, चेन प्रॉमिस भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मान लो कि मैंने प्रॉमिस पहले बनाया, फिर देन के अंदर उसको क्या किया, यहाँ पे रिजॉल्व करके मैंने रिजल्ट रिटर्न किया, उस रिजल्ट के ऊपर आप कोई भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने लॉगिन की एपीआई है, मैंने लॉगिन से डेटा लेकर आया, वहाँ पे रिजल्ट आया, ठीक है। उसके रिजल्ट के साथ मैंने कुछ भी मैनिपुलेशन करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक फंक्शन है मेक एपीआई कॉल, ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे प्रोमिसिस के साथ, ठीक है। तो हम मैंने प्रॉमिसेस पहले वाला भी बनाया हुआ है, मेक एपीआई कॉल, चलो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मेरा कोड हमने पेस्ट किया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एपीआई का यूआरएल ले लेते हैं, तो मैंने जेसन प्लेस होल्डर खोला हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन ही रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आएगा सिर्फ अगर रिस्पॉन्स है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो स्टेटस भी ज़रूरत नहीं है, इसकी स्टेटस उसमें रिटर्न नहीं किया हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड रेडी टू यूज़। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारा रिस्पांस आ चुका है इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं किया कैसे है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेक एपीआई कॉल का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें एपीआई रोल पास किया, ठीक है। मेक फंक्शन एपीआई कॉल क्या है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये देख लो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉमिस क्या किया है, रिटर्न किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज़ करके मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट पास किया है। तो मैंने चेक किया कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो रिटर्न क्या कर दिया मैंने, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, नहीं तो एरर थ्रो किया है। फिर मैंने यहाँ पे देन फंक्शन यूज़ किया, देन फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जाता है कि वो जो आपने एपीआई कॉल की है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देन में मैंने क्या किया है, रिजॉल्व किया डेटा, फिर डेटा को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डेटा आया, डेटा को पास रिटर्न हो जाएगा यहाँ से डेटा, नहीं तो रिजेक्ट हो गया आपका प्रॉमिस, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी देन फंक्शन में भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर रिजॉल्व कर दो, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दो। तो ये वाला एक्स्ट्रा जो फंक्शन है इसको भी क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बंद करके यहीं पर ही मैं क्या कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। यहीं पर ही मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। यहीं पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या कर दो, रिटर्न कर दो, तो नेक्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, यहाँ पे कर दो रिजेक्ट एरर, ठीक है। इस तरीके से भी क्या हो सकता है, ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन बॉडी हैज ऑलरेडी बीन कंज्यूम्ड, अनकॉट इन प्रॉमिस टाइप एरर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कहाँ पर है,
तो यहाँ पे क्या, अच्छा ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा है वहाँ पे ना, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ही आ चुका है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो उस तरीके से भी क्या हो गया, अब सीधा ही इफ रिस्पॉन्स है तो रिजॉल्व कर दो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे आपका डेटा लॉक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉमिस का यूज़ कर सकते हो कि जब भी आपको क्या कहते हैं, अगर आपकी चेन एग्जीक्यूशन में है, एक ए पे कॉल के बाद फिर दूसरी ए पे कॉल, फिर तीसरी ए पे कॉल, फिर चौथी ए पे कॉल करनी है, तो उस केस में भी चेनिंग, प्रॉमिस चेनिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस किस लिए यूज़ होते हैं, प्रॉमिस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी एक डिपेंडेंसी दूसरे फंक्शन पे है और बिना ब्रेक के आपको यूज़ करना है, कॉल बैक से बेटर यूज़ हो सकता है। अगर आपको मल्टीपल स्टेप पे जाना है तो ये यूज़ हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जीक्यूशन ही पे कॉल है तो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉमिस के ऊपर लेक्चर। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।